हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल जिसका नाम है सागर इन्फो फॉर यू। और आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए। इस वीडियो थ्रू आप जान सकते हो विदाउट ईमेल आईडी और पासवर्ड आप आपका जीमेल अकाउंट कैसे रिकवर कर सकते हो। तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, अगर सही लगे तो आप लाइक जरूर करना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ शेयर जरूर करना, और आने वाली वीडियोज के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सो लेट्स वॉच द वीडियो। तो दोस्तों, हम हमारे गूगल के पेज पे आ चुके हैं जहाँ से हम जानेंगे कि किस तरह से हमारे पास ईमेल आईडी और पासवर्ड ना हो तो भी हम हमारा जीमेल आईडी कैसे रिकवर करें। तो इसके लिए आपको आपकी जो यूआरएल है वहाँ पे टाइप करनी है ये लिंक, और ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, और छोटी सी लिंक है आप टाइप भी कर सकते हो। तो आपको यहाँ पर ये लिंक पेस्ट करनी है या आप टाइप भी कर सकते हो accounts.google.com। जैसे ही आप ये लिंक वहाँ पे पेस्ट करते हो या टाइप करते हो, आपको एंटर पे क्लिक करना है। एंटर पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का पेज आपको दिखेगा आपके स्क्रीन पे, और इस पे आपको फॉरगेट ईमेल पे क्लिक करना है। फॉरगेट ईमेल पे क्लिक करना है, आपके पास ईमेल आईडी ऑलरेडी नहीं है तो आप फॉरगेट ईमेल पे क्लिक करोगे, और उसके बाद आपको कुछ इस तरह की स्क्रीन दिखेगी, और यहाँ पे आपने जिस मोबाइल नंबर की हेल्प से आपका जीमेल आईडी क्रिएट किया है उस मोबाइल नंबर को आपको यहाँ पे डालना है। तो मैं मेरा मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल के आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आगे की जो रिकवरी प्रोसेस है वो हम करेंगे। तो इस मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपका जो भी, अगर आपने बिजनेस अकाउंट क्रिएट किया था तो आपको उसका नेम पूछा जाएगा, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, और अगर आपने आपका पर्सनल अकाउंट क्रिएट किया था तो उसका नेम आपको यहाँ पे डालना है। तो मैं यहाँ पे मेरा बिजनेस अकाउंट था जिसका मैं रिकवरी चाहता हूँ, तो मैं उसकी डिटेल्स यहाँ पे डालने वाला हूँ। तो ये है मेरे बिजनेस अकाउंट का नेम, तो मैं इसके बाद इस नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। तो जैसे ही मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे जो मोबाइल नंबर है जो मैंने उस ईमेल आईडी को क्रिएट करते वक्त यूज़ किया था वो मोबाइल नंबर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसके बाद मुझे जो नीचे सेंड पे जो आपको सेंड ऑप्शन दिख रहा है वहाँ पे आपको क्लिक करना है। सेंड ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद इस तरह की कुछ स्क्रीन आपको दिखेगी, और आपके मोबाइल नंबर पे एक SMS आ जाएगा गूगल की तरफ से आपका अकाउंट रिकवर करने के लिए। और जैसे ही ये आपको OTP मिलेगा आपको वहाँ पे डालना है। तो मैं ये OTP वहाँ पे डाल देता हूँ और नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही जैसे आप देख रहे हो कि स्क्रीन पे मेरा जो जीमेल आईडी था जो मैं रिकवर नहीं कर पा रहा था क्योंकि मेरे पास पासवर्ड और जीमेल आईडी नहीं था, तो वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो मैं उस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आ रहा है एंटर योर पासवर्ड। ओके, सो एंटर योर पासवर्ड, अभी हमारे पास हमें जीमेल आईडी मिल गया है और अभी हम हमारा पासवर्ड नहीं जानते, राइट। तो हम उस पर फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे। फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे हमारा लास्ट पासवर्ड पूछ रहा है, तो लास्ट पासवर्ड आप कुछ भी डाल दीजिए। और नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए करना है। ट्राई अनदर वे पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पूछा जाएगी दो ऑप्शन, और ये स्क्रीन दिखने के बाद आपको पूछे जाएंगे दो ऑप्शन, उसमें से एक होगा कि आपको यहाँ पे टेक्स्ट OTP आए या कॉल आए। तो जो भी आपको कन्वीनियंट हो आप उस पर क्लिक कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद मुझे गूगल से और एक मैसेज आएगा जिसमें एक OTP होगा, जिस OTP के थ्रू मैं मेरा पासवर्ड अभी क्रिएट करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं OTP डाल रहा हूँ, और देख सकते हो दोस्तों, create a strong password, create a new strong password that you don't use for other website करके एक आपको यहाँ पे एक स्क्रीन पे मैसेज आया है, और नीचे आपको दो स्लॉट दिए गए हैं जहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है, उसके नीचे रिकन्फर्म करना है, और यहाँ पे आपको आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड दोनों मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डाल रहा हूँ मेरे जीमेल आईडी के लिए, ताकि मेरा जीमेल आईडी सिक्योर भी रहे और इन फ्यूचर मुझे मेरा ईमेल आईडी और जीमेल आईडी दोनों याद भी रहे, ऐसा मैं पासवर्ड यहाँ पे डालने वाला हूँ।
तो ये पासवर्ड मैंने यहाँ पे डाल दिया है। उसके बाद मैं सेव पासवर्ड पे क्लिक करूँगा और देख सकते हो यहाँ पे यू आर साइन इन करके आ रहा है, शो कर रहा है स्क्रीन पे। तो मैंने मेरा ईमेल आईडी और पासवर्ड दोनों मिला ले हैं एक मोबाइल नंबर से, जिस मोबाइल नंबर से मैंने मेरा जीमेल आईडी क्रिएट किया था। और उसके बाद आपको आपके ईमेल्स वगैरह चेक करने हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे। मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे आपको क्लिक करना है और आपको जीमेल पे क्लिक करना है और आपके सारे ईमेल्स वगैरह यहाँ से आपको दिख सकते हैं। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। इस वीडियो से आप अगर कुछ सीख पाए हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करना, और जो भी दोस्त हो गया आपको जिनको उनका ईमेल आईडी रिकवर करना है और उनको पासवर्ड आईडी नहीं पता है तो ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर करना।